झारखंड के चतरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां टीएसपीसी सब जोनल कमांडर ननकू को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से AK-47 समेत कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, एसपी का कहना है कि सरेंडर करे गए नक्सली के बाद नक्सलवाद को सफाया करने के लिए अभियान जारी है। इस अभियान में काफी सारे अधिकारी उनकी मदद में है। चतरा पुलिस को टीएसपीसी नक्सलियों के विरुद्ध एक बार फिर यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी ऋषभ झा को एक मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया थाना व सीआरपीएफ 190 बटालियन की संयुक्त टीम ने लावालौंग थाना क्षेत्र के होसिर गांव में टीएसपीसी सब जोनल कमांडर ननकू गंजू उर्फ संजीत को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तार नक्सली के पास से AK-47 राइफल, 7.62 mm का 130 राउंड जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, 1 चितकबरा मैगजीन एवं गोली रखने के पाउच इत्यादि बरामद किए गए हैं। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी ऋषभ झा का यह कहना था कि गुप्त सूचना के बाद टीएसपीसी जोनल कमांडर परमजीत अपने दस्ते के साथ चतरा लातेहार सीमा पर स्थित लावालौंग थाना क्षेत्र के होसिर, टिकुलिया, सिलदाग, चुकू, सौरा और नवाडी इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में भ्रमणशील थे। सिमरिया थाना प्रभारी वल्लभ कुमार सिंह सेट 549 और लावालौंग में पदस्थ सीआरपीएफ 190 बटालियन के जवानों को उक्त क्षेत्र में छापामारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद यह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ननकू की गिरफ्तारी के बाद पूरे नक्सलवाद में सन्नाटा छाया हुआ है। एसपी का कहना है कि नक्सलवाद को वह जड़ से खत्म कर ही दम लेंगे। लावालौंग थाना क्षेत्र के होसिर टिकुलिया गांव के आसपास टीएसपीसी उग्रवादी परमजीत का सदस्य का दस्ता घूम रहा है। इसमें रेड किया गया झारखंड जगुआर चतरा पुलिस और लातेहार पुलिस के द्वारा। तो उसमें परसों सुबह एक इनकाउंटर हुआ था, उसमें परमजीत के जो दस्ता सदस्य थे वो सब भाग निकले। इसके बाद हमें जानकारी मिली कि ये लोग लावालौंग थाना क्षेत्र के ही होसिर और टिकुलिया के आसपास भाग कर कहीं छिपे हुए हैं। उसके बाद से हम लगातार इनके विरुद्ध अभियान चला रहे थे परसों से ही। आज सुबह करीब 5 बजे इसमें सीआरपी और चतरा पुलिस की एक ज्वाइंट टीम ने परमजीत के ही एक दस्ता सदस्य और कमांडर ननकू गंजू को अरेस्ट किया है, ये जो कि लातेहार के हिरंज थाना का रहने वाला है। इसके ऊपर पहले से लातेहार, चतरा और पलामू में करीब 10 कांड दर्ज हैं और हाल के दिनों में सिमरिया थाना में जो कासियातू में आगजनी और फायरिंग की घटना हुई थी और जो पाकी में पलामू में जो घटना हुई थी उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व थे। तो इसको अरेस्ट किया गया है। साथ ही इसके पास से एक AK-47 भी मिला है और 130 राउंड लाइव एम्यूनेशन बरामद हुए हैं। 2 AK-47 के मैगजीन्स भी मिले हैं और इसके पास से एक मैगजीन और गोली रखने का पाउच भी बरामद हुआ। नहीं, इसके अगेंस्ट तो कोई इनाम नहीं था, लेकिन ये कमांडर इसको माना जाता है रिकॉर्ड्स में। नहीं, किसी पद पे नहीं था ऐसा, मतलब इसके अगेंस्ट कोई ये नहीं था, रिवॉर्ड घोषित नहीं था, लेकिन चूंकि ये परमजीत के टीम में सेकंड नंबर पे था और परमजीत जोनल कमांडर है टीएसपीसी में, तो इसको हम लोग सब जोनल कमांडर ही मानते हैं। TV1 इंडिया न्यूज के लिए चंदन चौधरी की रिपोर्ट, चतरा, झारखंड। खबर झारखंड के चतरा से ही, जहां उपायुक्त ने कहा कुपोषित उपचार गाड़ी के माध्यम से कुपोषण उपचार केंद्र द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को गांव तक पहुंचाया जाए। उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा समाहरणालय परिषद चतरा से कुपोषित उपचार गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उपायुक्त का कहना था कुपोषित उपचार गाड़ी के माध्यम से कुपोषण पर क्रांति आए और विदित हो कि DMFT के प्रबंधकीय समिति एवं शासी समिति के द्वारा पारित किए गए निर्णय के आलोक में जिले में कुपोषित उपचार गाड़ी परियोजना का अधिष्ठापन किया गया है। परियोजना में जिला प्रशासन चतरा एवं संचालित एवं DMFT द्वारा वित्त पोषित है और साथ ही इस परियोजना का क्रियान्वयन राजकुमारी फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर विकास आयुक्त, अपर समापर्ता निदेशक, DRDA, सिविल सर्जन चतरा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सहित काफी सारे लोग मौजूद रहे। हम लोगों ने ये एक कॉन्सेप्ट निकाला कि हम कुपोषण उपचार केंद्र को ही गांव तक पहुंचाते हैं, रादर देन कि जो महिला है या जो कुपोषित बच्चे हैं वो उपचार केंद्र तक आए, उनको उपचार केंद्र तक आने की बजाय हम कुपोषण उपचार वहीकल को ही उनके माध्यम के इस माध्यम के से उनके घर तक पहुंचाएंगे। अब ये वहीकल जो है, इसके अंदर जैसा भी आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर सारी तरह की सुविधाएं हैं, वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है, इसके अंदर TV लगा हुआ है सारा IEC करने के लिए और वीडियो बताने के लिए, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स बताने के लिए, प्लस इसके अंदर जो है जितना भी बच्चों को कुपोषण से रिलेटेड चीज़ें देनी है, जो खाना बनाकर देना है, अलग अलग न्यूट्रिशन देना है, उस सब का अरेंजमेंट इसके अंदर है। इसके अंदर खाना बनाने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये वहीकल गांव-गांव जाएगा
अलग अलग प्रखंडों में अलग अलग गांव में जहां पर सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे रहते हैं, और उन कुपोषित बच्चों के लिए वहीं पर ही 15 दिन रह के व्हीकल गांव में और उन सारे कुपोषित बच्चों को सारा पोषाहार प्रोवाइड कराएगा। जब उस गांव के बच्चे सारे कुपोषण से बाहर निकल जाएंगे तो दूसरे वाले सेंटर में चले जाएंगे और वहाँ पर फिर 15 दिन उनका इलाज कराएंगे। ऐसे में सबसे अच्छी जो बात है इसमें कि बच्चों को एक तो अपने घरों से कहीं जाना नहीं है, माताओं को अपने घर को छोड़ के 15 दिन के लिए कुपोषण उपचार केंद्र में जाना नहीं है कहीं पर भी, अब ये व्हीकल ही उनके पास तक पहुँचेगा। तो ये हम लोगों ने चतरा जिला प्रशासन की एक पहल है जो हमने DMFT के माध्यम से इसको फंड किया है और अभी तक ये पूरे शायद झारखंड में तो कहीं हो ही नहीं रहा, और जैसा मुझे पता है कि शायद इंडिया में भी कहीं पर नहीं हुआ है। ये पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है कि कुपोषण उपचार व्हीकल बनाकर और कुपोषण को ट्रीट करने के लिए हम लोगों के घर तक जा रहे हैं। तो ये उस संदर्भ में एक पहल है और इस पहल के लिए राजकुमारी फाउंडेशन जो है वो हमारे साथ में आया है। राजकुमारी फाउंडेशन जो है वो इनको चलवाएगा और हम लोगों ने ये वैन तैयार करवाई है। मुझे आशा है कि इस इनिशिएटिव से जितने भी कुपोषित बच्चे हैं वो सब कुपोषण से बाहर निकलेंगे और एक स्वस्थ, और जो हमारा एक ब्रांड है जिसको हमारा एक प्रोग्राम है स्वस्थ चतरा, उस स्वस्थ चतरा के अंतर्गत जो है वो कुपोषण भी एक हमने ऐड किया। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए चंदन चौधरी की रिपोर्ट, चतरा, झारखंड। खास खबर झारखंड के पलामू क्षेत्र के छतरपुर थाना क्षेत्र से, जहां सुशीगंज निवासी चूल्हन साहब के बेटे ब्रज साहब का मध्य प्रदेश के सागर में हुए सड़क हादसे में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार ब्रज साहब मुंबई में मजदूरी का काम करता था, जो कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में अपने घर की तरफ लौट रहा था। इसी बीच मध्य प्रदेश के सागर में अनियंत्रित होकर वाहन पलट गया और इसके बाद प्रशासन के द्वारा सागर के हमीदिया अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया था, जिसमें वह भी भर्ती था और हालत गंभीर होने के कारण इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। शेखर गुप्ता सबको लेकर मृतक के पैतृक गांव सुशीगंज पहुंचे और शव को सम्मान पूर्वक अंतिम विदाई दी गई। बताया जा रहा है कि मृत ब्रज साहब अकेले घर पे कमाने वाला था और उसके घर पे उसकी पत्नी ललिता देवी और 3 बेटे ओम प्रकाश, धीरज व नीरज। काफी बुरी हालत और आर्थिक स्थिति से उसका परिवार गुजर रहा है। घर में एकमात्र कमाने वाले सदस्य के न रहने की वजह से घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। देखना ये होगा कि प्रशासन और सरकार अपनी तरफ से क्या आर्थिक मदद इस परिवार की तरफ करती है। गाड़ी स्टैंड एक्सीडेंट में मौत हो गया। हम लोग 3 गो भाई हूँ, कोई घर में कमाने वाला नहीं है। कोई हमारे घर में बीच रास्ता में ऐसा ऐसा घटना घट गया है। कोरोना के चलते आज मैं बाप की फिगर हो गया हूँ। बस TV1 इंडिया न्यूज के लिए आरती गुप्ता की रिपोर्ट, पलामू, झारखंड। पूरे देश में लॉकडाउन 4 प्रभावी ढंग से लागू किया गया है और लॉकडाउन 4 में भी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कुछ छूटें दे दी गई हैं। राज्य सरकारों ने इन छूटों को तय किया है। लॉकडाउन की बढ़ोतरी अवधि को देखते हुए उपायुक्त ने झारखंड के साहिबगंज में एक प्रेस वार्ता की। समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में लॉकडाउन अनुपालन, जिले में बढ़ोतरी अवधि के दौरान कार्यों की जानकारी एवं लॉकडाउन से संबंधित दिशा निर्देशों से लोगों को अवगत कराने हेतु प्रेस वार्ता की गई। उपायुक्त ने प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में लॉकडाउन का चौथा चरण प्रारंभ हो चुका है। जिले में पिछले सभी चरण सफल रहे हैं। जिला प्रशासन की टीम को आभार व्यक्त करते हुए उनका कहना था कि कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन ही मात्र एक विकल्प है। पुलिस के जवान, सफाई कर्मी, सेविका सहायकों, जो कि इस कोरोना की जंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं, उन सभी का उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस प्रक्रिया में जिला प्रशासन को अग्रणी कतार में खड़ा कर दिया है, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने मीडिया से कहा कि लॉकडाउन 4 में झारखंड सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन जिले में कराया जा रहा है और निर्देश के अनुसार दुकानें खुल सकेंगी। सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाना अनिवार्य होगा। इस मौके पर काफी सारे लोग उपस्थित रहे, जिसमें उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, पुलिस अधीक्षक और पदाधिकारीगण भी साथ थे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट, साहिबगंज, झारखंड। खबर झारखंड के पाकी क्षेत्र से, जहां आयशा के छात्रों को सवालों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी आह्वान पर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए डंडार, कला, बच दोहर, खाप सहित अन्य गांवों में लोगों ने हाथ में तख्ती लेकर मांग की है। छात्रों व मजदूरों को तत्काल किराया माफ करने और लॉकडाउन के आड़ में नई शिक्षा नीति थोपना बंद करें, इस बारे में विकलांग छात्रों को विशेष सुविधा और साथ ही साथ शोध छात्रों और अन्य छात्रों के सभी लंबित फेलोशिप को तत्काल जारी करने के संबंध में काफी सारी मांगे कही जा रही है।
इसमें काफी सारे विषयों पर लोगों ने मांग की है। रेप की घटना हो, चाहे प्रशासनिक कार्रवाई हो, या फिर 2 वर्ष के लिए सभी ऋणों से ब्याज माफी हो, इन सभी को लेकर जन आंदोलन जारी है। इस मौके पर आईसा राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन के प्रभाव से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। हालांकि हेडलाइन में सुर्खियां बटोरने वाली यह घोषणा पहले ही घोषणाओं की तरह जुमला निकलकर सामने आएगी यदि इन सब की मांगे नहीं पूरी होती है। 2020-21 के बजट के खर्चा और प्रशासन द्वारा नियमित रूप से दी जाने वाली राहत खर्च शामिल है। दूसरे शब्दों में नई बोतल में पुरानी शराब है, परंतु यह लोग यहां पर इस तरीके की गतिविधि करते नजर आ रहे हैं। 20 लाख करोड़ में 1 भी रुपए आवंटित नहीं किया गया, यहां पर लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं। वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री ने छात्रा युवाओं के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया है, उन्हें यह देना चाहिए और यहां के प्रशासन से उन्होंने गुहार लगाते हुए एक जन आंदोलन छेड़ा है। देखना यह होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद इस पर प्रशासन या सरकार क्या रुख अपनाती है। लॉकडाउन के आड़ में नई शिक्षा नीति थोपना बंद करो। स्कूल कॉलेज में छात्रों के फीस माफी क्यों नहीं सरकार जवाब दो। छात्रों और मजदूरों के किराया माफ क्यों नहीं सरकार जवाब दो। छात्रों को छात्रवृत्ति जल्द मुहैया कराना होगा। छात्रों को छात्रवृत्ति जल्द मुहैया कराना होगा। लॉकडाउन में भूख से मौत पर चुप सरकार क्यों जवाब दो। आयशा जिंदाबाद। लॉकडाउन के आड़ में नई शिक्षा नीति थोपना बंद करो। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दानिश आलम की रिपोर्ट, बाकी झारखंड।